पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, दरोगा परीक्षा पेपर में लीक की सीबीआई जांच हो, ये सभी स्लोगन दरोगा अभ्यर्थी एक युवक की शादी के कार्ड पर लिखे हैं। शादी के निमंत्रण कार्ड में ज्वलंत मुद्दों को लिखवाने से उनकी शादी का कार्ड चर्चा में बना हुआ है। शादी कार्ड में पेपर लीक मुक्त बिहार और सीबीआई जांच की मांग करके उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। साथ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का भी संदेश छपवाकर वो लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी शादी का कार्ड भेजा है। उन्हें भरोसा है कि नीतीश कुमार कभी ना कभी उनकी बातों पर गंभीरता से सोचेंगे और उनकी मांगों को जरूर मानेंगे। दिलीप ने कहा कि पूरे मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी कई नेता इस गोरख धंधे में लगे हैं। सबसे पहला कार्ड मुख्यमंत्री जी को जाके दिए हैं कि कम से कम उनको थोड़ा सा अंतरात्मा जग जाए कि बिहार का युवा कितना त्रस्त है। पता नहीं उन तक कार्ड गया या नहीं गया, लेकिन हम उन तक उनके सचिवालय तक, मुख्यमंत्री सचिवालय, तो वहाँ जाके हम कार्ड, सबसे पहला कार्ड उन्हीं को दिए हैं और सबसे पहला मैसेज उन्हीं का है, जल जीवन हरियाली से रिलेटेड। तो हम लोग नीतीश जी के विरोधी या दुश्मन नहीं है या किसी के विरोधी या समर्थक नहीं है, हम लोग बस छात्र हित की बात करते हैं। तो चाहते हैं कि हम तो बिहार और देश के तमाम युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि जो भी समाज और देश हित के मुद्दे हैं उनको अपने, जो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई भी मंगल कार्यक्रम हो, तो उसमें जरूर इसको इंक्लूड कीजिए, ताकि होता क्या है कि इस कार्ड को लोग गौर से पढ़ते हैं और घर घर ये मैसेज जाएगा। आज इस कार्ड का असर इतना हुआ है कि देखिए विपक्षी सारे नेता हमारे समर्थन में आ गए। उम्मीद हम लोग तो उम्मीद पे ही कायम है और हम लोग तो ओपन चैलेंज कर चुके हैं। जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। उसके होली के बाद हम लोग हर एक जिला में जाएंगे, क्योंकि हर जिला से हमारे पास कॉल आ रहा है, हर जिला से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इस मुहिम को आगे तक रखना, चूंकि ये दरोगा का मामला नहीं है। आज जो पीटी पास है वो भी हमारे आंदोलन में आ रहे हैं और ये हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है कि जो पास है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा डिमांड सीबीआई जांच है। क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आउट होगा तो उन लोग को भी डर है कि पीटी पास कर गए लेकिन मेंस में भी तो क्वेश्चन आउट होगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे संदेश छपवाने से समाज में जागरूकता आएगी और बिहार सरकार की भी नींद टूटेगी। ये कार्ड में जो है सो पेड़ लगाए जीवन बचाए ये संदेश इसमें छपवाए हैं, तो ये वातावरण जो है सो उसको स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधा लगना जरूरी है धरती पर। और ये दूसरा संदेश है पेपर लीक मुक्त बिहार हो। मेरा भी लड़का इस बार जो है सो 10वीं का परीक्षा दिया है बोर्ड का, उसमें जो है सो पेपर लीक हो गया था, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। इससे होता है कि जो इंटेलिजेंट लड़का रहता है, विद्यार्थी रहता है, वो जो है सो पिछड़ जाता है और जो माने ये घुस उस वाला विद्यार्थी सब जो है सो पास कर जाता है। ये सब जो है सो जो इंटेलिजेंस विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी, उसके जो है सो जीवन पर असर पड़ता है इस सब पर। बहरहाल ऐसा अनोखा निमंत्रण कार्ड पाकर लोग भी दिलीप के इस अभियान को न सिर्फ सराह रहे हैं बल्कि वो भी दिलीप के इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बिहार तक।